वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना, तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वजीत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी गूगल फॉर्म आता है तो उसे कैसे फिलअप करना है। ओके, गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ओके, तो फॉर्म कहीं भी आ सकता है हमारे पास, व्हाट्सएप पे, मेल पे। ओके, इस तरह से कहीं भी हम फॉर्म हमें मिल सकता है। हमें कल हमने देखा था फॉर्म क्रिएट करने वाली वीडियो में, वह हम कैसे सेंड कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो अभी एक फॉर्म मेरे पास है जो कि मेल में आया है। ओके, तो उस मेल से हम फॉर्म को पहले एक्सेस करेंगे, फिर उसे फिलअप करेंगे। मेल मेरा खुला है। ओके, ये सब मैंने बताया है अलग अलग वीडियोस में, जीमेल को कैसे एक्सेस करना है, ये सब चीज़ें आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो अभी देखिए, मेल जो फॉर्म है उसका हेडिंग है जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये हेडिंग है, और इसका लिंक भी मुझे प्रोवाइड कराया गया है। Important mainly because the search for all may remove list of one item heading level 3 star chief dot sync may 7th not star check out add reaction reply button main region list with one items more message options but show details button menu https colon slash slash forms dot glee slash jr 7th virtual pc cursor I've invited https colon इससे पहले एक message लिखा, देखिए I've invited you to fill out a form colon link https colon slash slash forms dot glee slash jr 7th ktjwfptm 3 lva okay, yeah. अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसी दूसरे टैब में ये खुल जाएगा। हम शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो एक अलग विंडो में खुल के आएगा ये लिंक। तो हम शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। शिफ्ट एंटर। जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग पेज हैज टू हेडिंग्स एंड फाइव लिंक्स फॉर जनरल। ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब इसको हम फिलअप करेंगे कैसे, देखिए डाउन एरो से जाता हूं। हेडिंग लेवल 1 जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। All fields marked with star is compulsory. Star chief dot sync 90 at gmail dot click switch account. Star all heading level 1. All fields marked with star is compulsory. देखिए, जितने भी fields star से mark हैं, वो compulsory हैं fill up करना. Okay? उनको fill up करे बिना form आगे नहीं बढ़ेगा. Okay? Star chief dot sync 90 link switch account. ये मेरी email ID दिखा रहा है. The name, email and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. देखिए, ये सब है कि जो भी हम इसमें detail देंगे, अपनी फोटो वगैरह जो भी फॉर्म में मांगा गया है वो सब ओनर के पास जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कभी अननोन या अनऑथराइज्ड फॉर्म को नहीं फिलअप करना। ओके, लिस्ट ऑफ वन आइटम्स हेडिंग लेवल 3 ईमेल स्टार। अब यहाँ ईमेल मांग रहा है तो ईमेल देना है। योर ईमेल रिक्वायर्ड एडिट, यहाँ मैं ईमेल दे देता हूँ। स्पेस लिस्ट विद वन आइटम्स योर ईमेल एडिट रिक्वायर्ड लैंग टाइप एंड टेक्स्ट यूज वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ, यहाँ मैं देता हूँ एक ईमेल। J saving E E T 123 at G M A I L period C O M. Okay, ये मैंने मेल दे दिया यहाँ पे। Required edit G 123 at G list end. Next button. अब next करना है यहाँ पे, next आ रहा है क्योंकि ये form section में divide है। Next button पे enter press करना है। Enter next button to activate press enter. Use virtual PC cursor on. General knowledge of computer. General knowledge of general. General edit heading level 1 general sarg dot sync 90 at gmail link switch account. ये मेरा ईमेल आईडी ये फॉर्म ले रहा है अपने आप। ओके, वहाँ पर सेटिंग में होता है कि ईमेल आईडी लेना है या नहीं लेना, तो इस फॉर्म की सेटिंग ऑन है। ईमेल लेना है फॉर्म, अपने आप ईमेल आईडी लेगा जिस भी ईमेल आईडी में ये फॉर्म साइन इन है। The name, email and photo is social list of 6 items. Heading level 2 personal details. अब यहाँ पर्सनल डिटेल दूसरे सेक्शन में है। Fill your required personal details. Heading level 3 your name star. Please enter your full name. Your name required question. Your name required question edit required. We have a name. J, save E E T. Okay.
स्पेस के यू ए आर, ये मैंने दे दिया एक नाम दे दिया. ओके हेडिंग लेवल 3 मोबाइल नंबर स्टार मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड क्वेश्चन. अब यहां मोबाइल नंबर देना है. लेवल 1 प्लीज एंटर योर फुल नेम जी. ओके मैं देता हूं यहां मोबाइल नंबर 8888888888. मैंने 10 टाइम्स 8 यहां पे दे दिया है. ओके हेडिंग लेवल 3 जेंडर स्टार. अब यहां से जेंडर चूज करना है. ग्रुप स्टार जेंडर रिक्वायर्ड क्वेश्चन मेल रेडियो बटन नॉट चेक रिक्वायर्ड. अब ये रेडियो बटन है देखिए. ओके तो यहां पर जो भी चाहिए आप यहां पे ले लीजिए. मैं मेल को चेक कर देता हूं. मेल रेडियो बटन नॉट चेक योर स्पेस जेंडर रिक्वायर्ड क्वेश्चन ग्रुप रिक्वायर्ड मेल रेडियो बटन चेक मेल फीमेल रेडियो बटन नॉट चेक रिक्वायर्ड फीमेल अदर रेडियो बटन अदर ग्रुप एंड जेंडर रिक्वायर्ड क्वेश्चन हेडिंग लेवल 3 डेट ऑफ बर्थ कोलन स्टार. डेट ऑफ बर्थ यहां पे देना है mm/dd/yyy mm/dd/yyy यानी पहले मंथ देना है फिर डे देना है फिर ईयर देना है. ओके date zero date slash date zero date slash date time edit zero date time edit unavail show date picker date time edit. ये date picker है ना यहाँ से आप ले लीजिए. यहाँ से date डालना है. date picker पे enter press करना है. enter month date edit spin box zero slash zero show date picker list with 7 item. अब यहाँ पे month देना है तो मैं month दे देता हूँ 01 date edit spin box 0 set the value use the arrow keys or type the value. अब यहाँ पे day देना है. ओके अलग अलग field यहाँ पे आते जा रहे अपने आप. अपने आप एंटर करेंगे तो वो अपने आप नेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा. यहाँ डे देना है मुझे. मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 6. अब यहाँ पे ईयर देना है तो मैं दे देता हूँ 1 0 9 9 0 1 5 1995. ओके ये दे दिया मैंने. अब show date picker button menu press exit list address colon required question edit required blank type and text. अब यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है नेक्स्ट में. ओके तो एड्रेस में हम दे देते हैं जो भी प्रॉपर एड्रेस होगा प्रॉपर एड्रेस देना है लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही दे रहा हूँ NE:DELAI न्यू दिल्ली मैंने दे दिया. आप अगर आप रियल में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको प्रॉपर एड्रेस देना है. ओके लिसन बैक बटन नेक्स्ट बटन. अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है. आप बैक भी जा सकते हैं. देखिए बैक बटन अगर आपको लगता है पिछले सेक्शन में कुछ आपसे मिस हो गया है तो आप यहां से बैक जाके उसे कंप्लीट कर सकते हैं. ओके अभी हमारा सब कंप्लीट है तो हम नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट बटन पे क्लियर फॉर्म बटन. यहां पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म जितना भी आपने डिटेल फिल किया है वो सब क्लियर हो जाएगा. क्लियर फॉर्म बटन पे नेक्स्ट बटन एंटर जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ए सिलेक्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट द आउटपुट डिवाइस कोलन रिक्वायर्ड क्यू मॉनिटर मा के ग्रुप हेड ग्रुप कीबोर्ड पहला कंप्यूटर विच इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको हम कर लेते हैं. यहाँ पे स्टार है तो इसको कंपल्सरी करना. ग्रुप स्टार विच इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड क्वेश्चन Required question है. CPU option 1 radio button not checked required. CPU option 1 चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं फिर आगे हम ऑप्शन देखते हैं क्या है. Space list with 7 items which is called brain of computer required question group required. CPU option 1 radio button checked. Saving. Okay, ये चेक हो गया है. CPU option 1 monitor radio button not checked required. Monitor है. Second option. Monitor. Keyboard radio button not checked required. Keyboard. Group end which is called brain of computer. यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन रिक्वायर्ड है आपको वही चेक करना है. ओके क्योंकि यहाँ पे डबल ऑप्शन चेक भी नहीं होगा. ओके यहाँ पे एक ही ऑप्शन चेक होगा. ये रेडियो बटन है. अब आगे हेडिंग लेवल 3 सेलेक्ट द आउटपुट डिवाइस कोलन स्टार. अब अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द आउटपुट डिवाइस. देखते हैं इसमें क्या है. ग्रुप स्टार सेलेक्ट द आउटपुट डिवाइस कोलन रिक्वायर्ड क्वेश्चन केबल रेडियो बटन नॉट चेक रिक्वायर्ड. केबल तो है नहीं. केबल monitor radio button not checked required. तो monitor को हम check कर लेते हैं. space select the output device. जो भी check करना है उसे आप space bar press करेंगे तो वो check हो जाएगा. monitor radio button checked. ये check हो गया है. monitor UPS radio button not checked required. okay तो हमारा एक काम हो गया है. इसमें third option है UPS. UPS group and select the output device code heading level 3 select the input device colon star. अब अगला option है select the input device. group start select the input device colon required question keyboard radio button not checked required. हम कीबोर्ड को चेक कर लेते हैं. स्पेस कीबोर्ड रेडियो बटन चेक्ड. अब
बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं. कीबोर्ड मॉनिटर रेडियो बटन नॉट चेक रिक्वायर्ड. मॉनिटर है सेकंड ऑप्शन. मॉनिटर टेबल रेडियो बटन नॉट चेक रिक्वायर्ड. टेबल थर्ड ऑप्शन है. टेबल प्रूव एंड सेलेक्ट द इनपुट डिवाइस कॉल एंड रिक्वायर्ड क्वेश्चन हेडिंग लेवल 3 फॉर्म ऑफ यूपीएस स्टार्ट. अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस. फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस रिक्वायर्ड क्वेश्चन एडिट रिक्वायर्ड. अब देखिए यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर हमें आंसर टाइप करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एडिट बॉक्स आ चुका है टाइप करने का, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं आंसर. यूपीएस का फुल फॉर्म यू एन आई एन टी आर यू पी टी ई डी स्पेस पी ओ डब्ल्यू ई आर स्पेस एस यू पी पी एल वाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे. ओके आगे देखते हैं क्या है. हेडिंग लेवल 3 अपलोड योर फोटो स्टार. ओके अब यहाँ देखिए फोटो अपलोड करना है. तो इस तरह के फॉर्म जहां पर फोटो अगर अपलोड करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके लिए ये जरूरी होता है कि हमें अपनी ईमेल आईडी साइन इन रखनी चाहिए. ओके हमारी ईमेल आईडी साइन इन होती है तभी ये फॉर्म फिलअप हो पाता है. अगर आप ईमेल आईडी साइन इन नहीं करेंगे, विदाउट लॉग इन करें, अगर आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये साइन इन करने के लिए पहले आएगा, लॉग इन करने के लिए पहले आएगा कि आप अपनी जीमेल आईडी में पहले लॉग इन करिए, जिस भी ब्राउजर से आप फॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं. ओके तो फिलहाल ये मेरा क्रोम है. अगर आप किसी और भी ब्राउजर में इस फॉर्म को ओपन करते तो उस ब्राउजर में अगर जीमेल आईडी साइन इन नहीं होती तो ये साइन इन करने के लिए बोलता, लेकिन यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी है वो ऑलरेडी लॉग इन है क्रोम में. ओके देखा था हमने कि फॉर्म मैंने वहीं से ओपन किया था. ओके तो यहाँ पर फोटो अपलोड करना है. अगर फोटो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करना तो विदाउट लॉगिन करें भी हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. कुछ वहाँ पर ऐसी डिटेल्स होती हैं जिनको लेने के लिए ओनर को ये फॉर्म में ऐसी सेटिंग होती है कि वो जो रिस्पॉन्डर होता है, जैसे मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ तो उसे जीमेल आईडी लॉगिन करना ही होता है. ओके जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फोटो अभी अपलोड करने के लिए, ये नहीं होता तो हम विदाउट लॉगिन करे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते थे. हम फोटो अपलोड कर लेते हैं. एड फाइल बटन देखिए हेडिंग लेवल 3 अपलोड योर फोटो स्टार. अपलोड योर फोटो ये स्टार है तो इसको अपलोड करना ही पड़ेगा. विदाउट अपलोड अपलोडिंग योर फोटो हम आगे नहीं जा सकते. तो यहाँ पर एड फाइल बटन, एड फाइल बटन यहाँ पर स्पेस बार करिए या फिर एंटर प्रेस करिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. देखिए स्पेस जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर - गूगल क्रोम डायलॉग. जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर - गूगल क्रोम डायलॉग. ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है. Heading level 2 insert file. Heading level 2 insert file. देखिए insert file का ये dialog box है. Close picker insert file button. यहाँ पर space bar करेंगे तो ये dialog box close हो जाएगा. Upload tab selected. अभी upload tab selected है. My drive tab. ये तो आप my drive select कर लीजिए. तो यहाँ से my drive से भी आप ले सकते हैं अगर my drive में आपने अपनी photo रखी है तो. Recent tab. Tab panel start. A copy of the selected file will be sent. Once submitted, files cannot be edited or removed. Okay. ये है. ये फाइल आप अपलोड कर लेंगे और सबमिट कर देंगे तो ये एडिट नहीं हो पाएगा या फिर रिमूव नहीं हो पाएगा आपका फोटो. यहाँ पे वार्निंग आ रही है. अपलोड ग्राफिक ब्राउज बटन. अब यहाँ ब्राउज आ रहा है तो ब्राउज हम कर लेते हैं. ब्राउज पे स्पेस बार करना है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में फाइल है तो मैं कंप्यूटर से लूंगा. स्पेस ओपन डायलॉग फाइल नेम कोलन एडिट कॉम्बो सेट द वैल्यू यूज द एरो कीज़ और टाइप द वैल्यू Alt + N. अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है. यहाँ पर आप फाइल नेम टाइप कर सकते हैं लेकिन मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है कि टाइप करना ये बेस्ट तरीका नहीं होता. बेस्ट तरीका कि आप वहां पर जाइए उस लोकेशन पे जहां पर आपने अपनी डॉक्यूमेंट या फिर फाइल रखा हुआ है अपलोड करते समय. तो मेरा जो है वो डाउनलोड वाले फोल्डर में है तो मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊंगा. अब यहाँ पर एक है फोटो देख लेते हैं क्या है. Earlier this year expanded. Earlier this year signature.jpg 202. ये JPG फॉर्मेट में है. ये सिग्नेचर है. पहले मैं सिग्नेचर ही अपलोड कर देता हूँ. ओके तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ. Enter. Heading level 2 insert file. List with 7 items. Selected files list with 1 items. Open file button. Signature.jpg. यहाँ पर ये फोटो अपलोड हो चुकी है. Selected files list of 1 item. Next heading level 3 upload your photo star. Upload your photo. ये क्वेश्चन था. Selected files list of one items nesting level 1. Open file button. ये देखिए फाइल से आ गई है. ओपन फाइल पहले ये सब नहीं आ रहा था. पहले ऐड फाइल आ रहा था हाँ. अभी यहाँ पे ऐड फाइल नहीं आ रहा है. Remove file button. यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं.
लेकिन सबमिट करने से पहले ओके लिस्ट एंड नेक्स्ट इन लेवल 1 लिस्ट एंड बैक बटन ये बैक आ रहा है बैक जा सकते हैं सबमिट बटन सबमिट बटन आ रहा है क्लियर फॉर्म बटन यहां भी क्लियर फॉर्म आ रहा है आप यहां पे क्लियर करेंगे तो पूरा जितना भी आपने डिटेल फिल किया पूरा क्लियर हो जाएगा नेवर सबमिट पासवर्ड्स थ्रू ग्रुप फॉर्म्स ओके देखिए ये यहाँ पे वार्निंग है पासवर्ड वगैरह आपको कभी नहीं देना फॉर्म में दिस कंसेंट इज नीदर क्रिएटेड नॉर एंडोर्स्ड बाय ग्रुप ओके लिंक रिकॉर्ड अब्यूज दिस कंसेंट इज नेवर सबमिट पासवर्ड्स क्लियर फॉर्म बटन हमें क्लियर नहीं करना सबमिट बटन सबमिट बटन पे एंटर प्रेस कर देंगे तो मैं प्रेस करता हूँ एंटर अनअवेलेबल सबमिट बटन अनअवेलेबल General knowledge of computer. General knowledge of computer. Page has one heading and five links. General knowledge of computer. Heading level one. General knowledge of computer. Your response. Response. ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है. Links of your response has been recorded. Your response has been recorded. Links submit another response. यहाँ से आप अगला response submit कर सकते हैं. Okay? लेकिन same response नहीं करना. Same email ID से नहीं जाएगा. दूसरा response आप यहाँ पे submit कर सकते हैं. Okay? तो इस तरीके से आपको कोई भी गूगल फॉर्म को फिलअप करना है उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के साथ और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ओके अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कॉमेंट सेक्शन में आप फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं आप एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच